हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ BGMI गेम फेसबुक पेज पे कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज पे भी आप BGMI गेम को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। सिर्फ BGMI गेम नहीं, आप चाहते कोई भी गेम काफी आसान से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते, देखते हैं कैसे अपने फ़ोन से BGMI गेम अपने फेसबुक पेज पे कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स हम लोग देखने वाला हो। तो दोस्तों सबसे पहले BGMI गेम को फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन। सिंपली जैसे आपने प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसके बाद सबसे पहले आपको प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन को ओपन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन करने का काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मैं यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, आप चाहे तो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर इस जीमेल आईडी पे टच करूँगा। गूगल से लॉगिन करने से काफ़ी सिंपल हो जाता है, टच करने से ही लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को ओके में क्लिक करूँगा और फर्स्ट टाइम कुछ परमिशन यहाँ पर मांगता है। मैं फटाफट यहाँ पर परमिशन को दे देता हूँ। और गाइस परमिशन को देने के बाद हम लोगों के पास इस तरह का सेटअप आता है, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करना है। और गाइस यहाँ पर आपको ओके में क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्प्ले ओवर अदर्स एप्स का एक परमिशन आपको यहाँ पर पूछा जाएंगे, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर ये रहा प्रिज्म लाइव, इसमें हम लोग टच करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर टच करते ये बटन को ऑन कर देना है बस दोस्तों। इसके बाद हम लोग को बैक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को गेम लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अपना जो भी गेम है यहाँ पर ऐसा जो कि लाइव स्ट्रीम होगा। तो गाइस इसके वजह से जो कि हम लोग को यहाँ पर लैंडस्कोप में हम लोग रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक ऑप्शन दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्क्रीन, कैमरा, VTuber। तो गाइस आप यहाँ पर अगर आप कैमरा को लाइव स्ट्रीम करने वाला हो फेसबुक पेज पे तो कैमरा पे आप टच कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अपना जो भी मोबाइल का स्क्रीन है वो लाइव स्ट्रीम होगा, तो मोबाइल का स्क्रीन पे ही मैं रखा हूँ और इसके साथ हम लोग लैंडस्कोप में रखूंगा। और यहाँ पर मोबाइल को जो कि हम लोग को ऐसा कर लेना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन में अगर आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे OAP, इमेज, VTuber, इन सभी को जो कि आप ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने यहाँ पर एक VTuber को ऐड करूंगा, तो यहाँ पर मैं टच करूंगा और यहाँ पर टच करते ही काफी सारा VTuber यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसी लोगो को ही मैं रखने दूंगा, आप चाहे तो उसको लगा सकते हो या तो ना भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेव में क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे किसी भी एक साइड में यहाँ पर मैं लगा दूंगा। तो वैसे में दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड लोगों को ये अच्छा भी लगता है। फिर से आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनो इमेज ऑप्शन में अगर आपने क्लिक करेंगे तो अपना जो भी चैनल का लोगो है लोगो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर चैनल का लोगो नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर लाइक बटन को लगा देता हूँ और यहाँ पर एड में क्लिक करूंगा। और दोस्तों छोटा करने के बाद मैं इसी साइड में एक साइड में हम लोग यहाँ पर लगा देता हूँ। और गाइस इसके बाद सब कुछ जो कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अभी दोस्तों हम लोग को लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करना है। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एरो वाला बटन पर हम लोग टच करूंगा और यहाँ पर हम लोग को इस साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को टच कर देना है। और गाइस यहाँ पर जैसे हम लोग टच करूंगा तो यहाँ पर हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को सेट डेस्टिनेशन यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सिलेक्टेड करना है। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर फेसबुक में टच करूंगा, फेसबुक में टच करते ही यहाँ पर फेसबुक कनेक्ट यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक में टच किया हूँ तो गाइस फेसबुक का जो पेज है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग को फटाफट अपना फेसबुक का जो भी आईडी पासवर्ड है हम लोग यहाँ पर दे देना है। तो गाइस मैं फटाफट यहाँ पर अपना फेसबुक का आईडी पासवर्ड एकदम सही से दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फेसबुक का आईडी पासवर्ड दे दिया हूँ। अभी दोस्तों हम लोग को लॉगिन पे हम लोग को क्लिक कर देना है और लॉगिन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो गाइस अपना जो भी फेसबुक आईडी से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा सबसे पहले। और जैसे यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपना जो भी फेसबुक है यहाँ पर आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नीचे अगर आपको फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव स्ट्रीम करना है तो आप ऐसे ही रहने देंगे। और गाइस इसके साथ आप यहाँ पर चाहेंगे तो ग्रुप में भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन दोस्तों नीचे आपको पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, माय पेज का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और माय पेज में जैसे आपने क्लिक करेंगे आपके पास जो भी पेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये रहा मेरा फेसबुक पेज जो कि एक्सपेरिमेंट 100। तो यहाँ पर जो फेसबुक पेज पे हम लोग टच करूंगा और फेसबुक पेज पे टच करने के बाद हम लोग को ऊपर में ओके में सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम लोग को गो लाइव का ऑप्शन में क्लिक करने से पहले यहाँ पर हमको फिर से और एक बार लैंडस्कोप में कर लेना है। और इसके बाद फाइनली एक बार हम लोग यहाँ पर एरो वाला बटन पे टच करूंगा और इसके साथ हम लोग को यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर अगर आपने रेजुलेशन जो भी है अगर आपने HD करना चाहते हो या तो फुल HD करना चाहते हो तो फुल HD सिलेक्टेड कीजिएगा। और आपकी इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट है तो उसके साथ आपके एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस भी काफी अच्छा है तो आप यहाँ पर फुल HD कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर 720 करूंगा क्योंकि ये भी काफी अच्छा खासा क्वालिटी है। इसके साथ हम लोग यहाँ पर ओके में क्लिक करूंगा और गाइस यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है जैसे दोस्तों वीडियो क्वालिटी, बिट रेट, फ्रेम रेट। तो गाइस यहाँ पर जो जैसा है मैं वैसे रखूंगा, इसके बाद हम लोग ओके में क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप कौन सा गेम लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो यहाँ पर आपको प्लीज इंटर योर टाइटल, यहाँ पर आपको सिलेक्टेड करना है टाइटल। तो गाइस मैं यहाँ पर BGMI गेम लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो मैं दोस्तों यहाँ पर BGMI गेम लाइव स्ट्रीम दे देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर BGMI गेम लाइव स्ट्रीम यहाँ पर मैंने दे दिया और यहाँ पर फाइनली दोस्तों हम लोग को लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को क्लिक करने से पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले BGMI गेम को ओपन में क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट कर दूंगा लाइव स्ट्रीम तो यहाँ पर अपना BGMI गेम भी ओपन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर BGMI गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है, यहाँ पर मेरे को BGMI गेम पे 10 रुपीज का ऑफर भी आया है। अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मिनिमाइज करके यहाँ पर जो प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन पे आ जाऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को टच कर देना है और टच करने के बाद यस पे हम लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर से एक बार स्टार्ट में क्लिक करते हैं और मिनिमाइज करके हम लोग BGMI गेम पे हम लोग को आ जाना है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है और अपना फेसबुक जो पेज है फेसबुक पेज पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर लोगो में टच करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉल्यूम का जो साउंड है डिवाइस का जो साउंड है अपने बड़ा घटा भी सकते हो। इसके साथ अपने हाइड ब्रॉडकास्ट स्क्रीन, इसमें अगर अपने क्लिक करेंगे तो गाइस अपना जो भी स्क्रीन है वो हाइड हो जाएगा, मतलब लाइव स्ट्रीम होने वाला है ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है जो कि आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपने सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो गाइस आप चाहे तो यहाँ पर जो भी चैट वगैरह डोनेशन जो भी यहाँ पर होता है इसको आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो या चैट को आप अपने डिस्प्ले में दिखा भी सकते हो। तो गाइस यहाँ से आपको ऑफ करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ और दोस्तों इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन प्रिज्म लाइव इसमें अगर आपने क्लिक कर देते हो तो गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें कोई भी एक इमेज पे अगर आपने टच करेंगे तो यहाँ पर मैं ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके साथ हम लोग सबसे पहले BGMI गेम पे अगर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं कट कर दूंगा तब भी अपना फेसबुक पेज में लाइव स्ट्रीम कैसा दिखाएंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर अपना फेसबुक पेज मैंने ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको मैं दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पर अपना जैसे यहाँ पर लाइव स्ट्रीम होगा तब भी यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव चल रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी स्ट्रीम को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम यहाँ पर होने वाला है ऐसा कुछ आपको सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसे मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम का स्टार्ट करूँगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं टच करूँगा और ये जो हाइड ब्रस्ट कर स्क्रीन इसमें मैं टच करूँगा और टच करते ही ये जो स्क्रीन है सिंपली यहाँ पर लाइव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने टच किया हूँ, इसको ऑफ कर दिया हूँ और ऑफ करते ही यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिर से अपना जो भी स्क्रीन पर दिखा रहा है वो ही जो कि यहाँ पर दिखा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अपने BGMI गेम अपने फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से। और दोस्तों अगर आप बताएंगे कि यहाँ पर जो लोगो आपको देखने को मिल रहा है इस लोगो को कैसे आपको हटाना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको टच करके इस साइड में आपको लाना है। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इसी डिलीट में छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये जो लोगो है लोगो भी आप हट जाएगा। अभी दोस्तों आप जैसे नॉर्मल अपने BGMI गेम प्ले करते हो वैसे ही आप गेम प्ले कीजिए दोस्तों, कोई आपको भी खुद को भी पता नहीं चलेगा अपने स्क्रीन है यहाँ पर लाइव चल रहा है ऐसा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ हिसाब से काफी आसान से अपने BGMI गेम आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने फेसबुक पेज पे। और भी कुछ काफी सारा ऑप्शन था डिटेल्स था मैंने आपको दिखा दिया। अभी दोस्तों बात करते हैं लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कैसे करते हैं। लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो आपके जो मोबाइल स्क्रीन है टोटल ये लाइव होता रहेगा, पब्लिक सब कुछ देख लेगा। तो गाइस इसलिए आपको लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी यहाँ पर प्रिज्म लाइव था यहाँ पर मैंने यहाँ से आकर के डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टच कर देना है और इसमें जैसे आप टच करेंगे तो गाइस प्रिज्म लाइव यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंड का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली एंड में आपको टच कर देना है और टच करते ही जो लाइव स्ट्रीम है टोटली स्टॉप हो जाता है। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर सिंपली सेव करके जो वीडियो को भी आप सेव कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर बैक कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह से काफी आसान से अपने BGMI गेम भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने फेसबुक पेज पे।